सुबह सुबह उठ के जिम जाने से पहले क्या खाना चाहिए? द आंसर इज जो मिल जाए अच्छा किचन में से वो चुपचाप खा लेना चाहिए, ज्यादा पखंड नहीं करने चाहिए। ठीक है, वर्कआउट आज का ऐसे ही था, बस ढीला सा ही था। वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी मुझे, लाइट लाइट से छोटे छोटे से डंबल मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहे थे, तो मैंने सोचा है कि इस हफ्ते बिल्कुल आराम से लाइट से वार्म अप टाइप वर्कआउट्स करूँगा। नेक्स्ट वीक से प्रॉपर जो स्ट्रेंथ फेज़ है ट्रेनिंग इन द जो वर्कआउट सीरीज वाला, स्ट्रेंथ फेज से स्टार्ट करेंगे। तो इस हफ्ते नॉर्मल लाइट लाइट सा वर्कआउट्स स्टार्ट करने का एक फ़ायदा ये है कि मेरे बहुत सारे और भी काम जो मैं वैसे कई बार इग्नोर कर देता हूँ, अच्छे काम जो मुझे करने चाहिए लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ, वो भी लाइन पे आ जाते हैं। जैसे कि मेडिटेशन, मेडिटेशन मैं नॉर्मली वर्कआउट के बाद करता हूँ। अभी मेरे छूट गई थी मेडिटेशन, कभी कभी करता था लेकिन अभी दोबारा से आज मैंने शुरू किया है वो भी। मेरी डाइट इस चीज़ के साथ, बहुत सारे लोग आप रिलेट भी करोगे कि डाइट जो होती है वो थोड़ी सी ऑफ चली जाती है जब आप वर्कआउट नहीं करते, तो डाइट का नाम लिया। तो मैं दिखाता हूँ कि आज मैं क्या क्या खा रहा हूँ। ओके, सो शाम के 6:30 बजे हैं और मेरा एक ही मील अभी बाकी बचा है, और एक मील और होगा, कुछ 25-30 ग्राम प्रोटीन होगा उसमें, और टोटल मैंने कैलकुलेशन किया है तो मेरा टोटल बनेगा इस दिन का अराउंड 100-105 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि कम है जितना मुझे चाहिए पर डे। 130 ग्राम के अराउंड मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। अगर अभी उसको पूरा करना है तो अब मैं एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन अगर लूँगा तो वो पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज़ आई थिंक द राइट वे टू यूज़ सप्लीमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तब आप उसको इस्तेमाल करोगे तब उसका फ़ायदा है। सो राइट नाउ आई एम ईटिंग अराउंड 0.7-0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट खा रहा हूँ मैं, जो कि मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है लीन मसल मास बिल्ड करने के लिए। और या अंदर चलते हैं, पहले एक हो जाएगा प्रोटीन शेक एंड देन बात करता हूँ आपके साथ। साथ में मिलेंगे थोड़े से अंगूर घर के, वो भी। अच्छा, कुछ लोग ना नेचुरल टीन के प्राइस के बारे में बोल रहे थे कि ये एक्सपेंसिव है। जब आप एक्सपेंसिव बोलते हो किसी चीज को, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस किस एंगल से एक्सपेंसिव बोल रहे हो। जैसे कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो नेचुरल टीन को किसी ऐसे थर्ड ग्रेड प्रोटीन के साथ जिसको, जो आपको 800-1000 रुपए में मिलता है किलो, और उसको आप कंपेयर करोगे इसके साथ, तो फिर ये तो महंगा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए, मेरे लिए पर्सनली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि किसी चीज़ की कितनी कीमत है, मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपके पैसे की वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि कोई आप 1000 रुपये किलो वे प्रोटीन खरीदो, वो आपके पैसे की वैल्यू फॉर मनी वो ना हो, लेकिन अगर आप इसको उसके साथ कंपेयर करोगे तो ये अगर आपको 3000 रुपये में मिल रहा है किलो, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है। उसका रीज़न है कि 3000 रुपये में आपको इस तरह की क्वालिटी वाला कोई भी वे प्रोटीन नहीं मिलेगा। कोई ऐसा वे प्रोटीन नहीं है जो कि आपको 2500-3000 रुपये में इस तरह की क्वालिटी वाला मिले। जो वे प्रोटीन इसके जैसे क्वालिटी वाले हैं, जो थोड़े बहुत इसके जैसे मिलते जुलते हैं, इसकी क्वालिटी के जैसे मिलते हैं, वो इससे डबल प्राइस में मिलेंगे। तो मेरे लिए इसलिए नेचुरल टीन इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को एक्सपेंसिव है या फिर एक्सपेंसिव नहीं है, तो हमें देखना चाहिए कि हम किस चीज़ को किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे अगर हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमने हमारा जो बजट है वो मारुति स्विफ्ट खरीदने का है, तो जाहिर सी बात है कि हमें मारुति सियाज जो है वो ओवर प्राइस लगेगी या फिर हमें एक्सपेंसिव लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी एक्सपेंसिव है, इसका मतलब ये है कि हमारा बजट नहीं है, राइट? तो हमें कंपैरिजन, हम स्विफ्ट के प्राइस के साथ उसका सियाज का कंपैरिजन नहीं ना कर सकते। हमें कंपैरिजन अगर करना है तो सियाज के प्राइस को हमें हुंडई वर्ना के साथ शायद हम करेंगे, या फिर होंडा सिटी के साथ करके देखेंगे कि ये किस तरह से वैल्यू ऑफ मनी वो गाड़ी है, कोई भी प्रोडक्ट है कि नहीं है।
तो इस तरह से कंपैरिजन हमें सही से करना चाहिए, देन हम बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव है या फिर नहीं है। मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखता हूँ। कोई भी चीज़ मैं खरीदूँ, 10 रुपए की खरीदूँ, 10,000 की खरीदूँ, 10 लाख की खरीदूँ, कि मुझे मेरे पैसे की एक एक रुपए की पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। कितने पैसे खर्चा कर रहा हूँ ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे मेरे पैसे की पूरी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। और यही चीज़ मेरे दिमाग में रहती है अगर मैं कोई चीज़ इंडोर्स करूँ, किसी चीज़ को मैं प्रमोट करूँ, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ नंबर 1 पर रहती है कि वो चीज़ वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मी नेचुरल टीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू फॉर मनी। इन सब को आपने एक एक्सपेक्ट बना के आपने एक कैप्सूल बना दिया, वो हो गया इम्यूनिटी बूस्टर। मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम इम्यूनिटी बूस्टर लेता हूँ, तो मैं ये वाओ लाइफ साइंस का इम्यूनिटी बूस्टर लेता हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको जाके खरीदना। एक मिनट दीजिए, फोन दीजिएगा। सोशल मीडिया यार इतनी फुद्दू चीज़ है ना, मैं क्या बताऊँ। सोशल मीडिया के ऊपर लोग दूसरों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोविड तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, कोविड को इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। कोई बोल रहा है कि मुझे कोविड पता नहीं हो गया नहीं हो गया, मैंने टेस्ट करवाया, ऐसे सस्पेंस बनाया हुआ है लोगों ने। कोई बोल रहा है कि मुझे हो गया था फिर अभी मेरी रिकवरी हुई है, इस वाले सप्लीमेंट की वजह से मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई थी। आप भी अगर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हो तो ये वाला सप्लीमेंट खरीदो। कोई आपको डाइट बता रहा है, तो यार कोई भी मतलब हमने छोड़ना नहीं है, मौका नहीं छोड़ना लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। पता चाहे हमें कुछ है किसी चीज़ के बारे में नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस हमें मौका नहीं छोड़ना यार। जब कोविड असल में होता है ना, मुझे हुआ था, मुझे पता है, फट के ना गले में पड़ जाती है। ठीक है, ये बातें बहुत आसान है, समझो सुधर जाओ। सो आज का दिन ऑलमोस्ट डन है, खाओ पियो मजे करो, आप भी वर्कआउट करते रहना घर में, जिम में जा सकते हो तो चले जाना, नहीं जा सकते हो तो टेंशन नहीं है, खुल जाएंगे जिम दोबारा से, तब तक घर में वर्कआउट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर नेचुरल टीन का चाहिए आपको प्रोटीन डिस्काउंटेड रेट पे, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नहीं भी बाय करना, डायरेक्टली वहाँ पे जाके चेकआउट पे नवजोत NAVJOT अगर आप टाइप करोगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ लोग मसल नेक्टर के बारे में पूछ रहे थे, मसल नेक्टर का भी कोड चल रहा है NAVJOT10 NAVJOT10 उसका डिस्काउंट कोड है, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मज़े करो, स्टे फिट स्टे स्ट्रॉन्ग।